जनरल जिया ने आपको शूरा के लिए मेंबर, हाँ जी, दो चीज़ों के लिए आपने क्या जवाब दिया था? पहले तो कमिश्नर की मार्फत चिट्ठी आई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि आपका इंतखाब किया गया है एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट फॉर माइनॉरिटीज़, आप अपना बायोडाटा दे दें। मुझे बड़ा गुस्सा है, मैंने उस पर एक बड़ा सख्त नोट लिखा कि मैं तो सिर तपा अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, नमाज कभी नहीं छोड़ी, रोज़ा कभी नहीं छोड़ा, कुरान शरीफ खूब पढ़ा है, अलबत्ता मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मसीह मौत पर ईमान लाने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाई। और ये 84 के बाद की बात है? हाँ जी, 84 के बाद, जब मुसलमान कहना जुर्म बन चुका था। ऑर्डिनेंस 84 वाला आ चुका था? नहीं, तो ये 84 से पहले की बात, मजलिसे शूरा थी उस वक्त। तो ये जो अंडर दी सर्कमस्टांसिस मैंने कहा यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस जॉब, तो ये कमिश्नर की बात मार्फत ही मैंने ये जवाब भिजवा दिया। फिर बड़ा तलख तुंद अल्फाज में एक खत आया, उसी तरह ये एड्रेस मुझे ऐसे प्रोविंशियल अमीर उसके कॉपी हुजूर को और नाज़रुल उलमा को कि क्यों आप लोगों को बागी ना करार दे दिया जाए और आपकी ज़मीनें आपकी जायदादें यहाँ जब्त कर ली जाएँ, ये वो है, क्योंकि आप बिल्कुल हुकूमत के किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं पाया। तो मैंने कहा ये बग़ैर नाम क्या गया, तो मैंने हुजूर को भी आया था, फिर यहाँ मीटिंग बुलाई हुजूर ने, फिर उसका जवाब तुम दे नहीं सकते थे, अखिले 40 के वक्त की बात है ना, जवाब तो हम दे नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद कुछ अर्से के बाद मुझे टेलीफोन आया इंस्पेक्टर पुलिस का इस्लामाबाद से कि आपका नाम तजवीज किया गया शूरा की मेमरी के लिए, तो आप कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मैंने कहा बैसीत मुसलमान आप करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, बैसीत अहम भी नहीं। वो कहेंगे नहीं ऐसी बात है, हम लिखेंगे कुछ नहीं। मैंने कहा आप नहीं लिखेंगे तो आप इसको समझा जाएगा कि एमडी, आप मुसलमान लिखें तो मेरे में आऊँगा। कहने का अजीब बात है, मैं शिया हूँ, असल में इख्तलाफ तो हमारा है इन लोगों के साथ कि हमारा कलमा भी मुख्तलिफ, हमारी नमाज भी मुख्तलिफ, हमारा ईज़ान भी मुख्तलिफ, सब चीज़ मुख्तलिफ, तो गैर मुस्लिम आपको करार दे दिया उन्होंने। मैंने कहा हमारी तादाद आप इतनी हो जाएगी तो हमें भी कोई गैर मुस्लिम ही करार देगा, फिर आप भी मुसलमान ही हुए। तो वो 25 मिनट मुझे तरगीब देता रहा कि आप इसकी मेमरी एक्सेप्ट कर लें तो आप जमात को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने बतौर ये जो आपको खत लिखा गया आया ये बहसियत सूबाई अमीर होने के या आपको जाती तौर पर भी जानता था? जाती तौर पर मेरे बड़े भाई का यही अब्दुलरहमान जिन्होंने मेरी पब्लिक की थी, इसका वालिद बाबू अकबर अली, वो भी मौलवी अकबर अली कहलाता था, बाबू अकबर अली, हाँ बाबू अकबर अली भी कहते थे, मौलवी अकबर अली भी, वो मेरे भाई साहब का बड़ा दोस्त था। अच्छा। ये इकट्ठे जाया करते थे दफ्तर को, इनका मकान हमारे सामने ही था, बिल्कुल आपने सामने टूटी कंडी में, तो ये इकट्ठे जाया करते थे दफ्तर में, आते भी थे, और वो काफ़ी मुतासर था भाई साहब से, तो उसकी वजह से जानते थे। तो मेरा एक सौतेला बेटा जहूरुल हक वहाँ रहता है रावलपिंडी में, रहता था, फौज हो चुका बेचारा, तो उसकी वो मिलता रहता था इसको जहूरुल हक को खूब, तो वो हमेशा उसकी वालदा जो थी वो मेरे बुजुर्ग पूछती रहती थी उसका क्या हाल है, जहूरुल हक की वालदा, तो जानता तो वो था। मुझे लोगों ने कहा भी कि आप किसी वक्त मिल लें, कोई शायद कोई फ़ायदा ही हो जाए। मैंने कहा फ़ायदा और तरह तलाश करें, मैंने मिलना नहीं उसको, मैंने किया। फिर ये आपके खिलाफ, हाँ फिर उस मसलन मेरे उसी बेटे की बेटी की शादी पर भी आया, तोहफा भी दिया, एक साड़ी दी, और ये मदद की कि मेरी बीवी इस वजह से नहीं आ सकी कि आज फलाने का जाना था उसने। तो ये 84 से पहले की बातें सारी।